टीगन में कार्यक्रम में पहुंचे। यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। अमेठी की सांसद और यहाँ दीदी यहाँ पर मौजूद है। आज दीदी ने एक बड़ी लिस्ट विकास कार्यों की भाई को सौंपी है, तो क्या अमेठी खाली मिला था? मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे सांसद बनने के बाद इस धारणा के साथ कि चौमुखी विकास हो अमेठी में अपना योगदान दिया। आज 80 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट्स को हम जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर पाए, लेकिन जैसे कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने गिनवाया, 5 अरब का काम हो चुका है अमेठी में गत 1.5 वर्षों में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आभारी हूँ कि मुझे सांसद के साथ साथ एक बहन के नाते मेरे पूरे अमेठी परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी सौगातें दी। पहली बार 30 साल से चल रहा एक मसला था मेडिकल कॉलेज का, उसकी स्थापना नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के सहयोग से अमेठी में होने वाली है। सैनिक स्कूल पहली बार अमेठी के इतिहास में आने वाला है। पहली बार केंद्रीय विद्यालय अमेठी में इनके सौजन्य से खुलने वाला है। मेडिकल में ट्रॉमा सेंटर की दरकार जगदीशपुर में वर्षों से रही, लेकिन उसकी पूर्ति तब हुई जब मोदी और योगी की सरकार आई। तो वर्षों से लंबित जो नागरिकों की ज़रूरतें थे उनका समाधान भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों नेताओं ने दिया है। मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। एक बड़ी चुनौती की अमेठी के लोगों का कष्ट आपने हरा, तो अब क्या रायबरेली भी? मैं बार बार ये कह चुकी हूँ और आप भी इसके भारत समाचार से साक्षी रहे हैं कि जब से मैंने 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दुस्साहस किया, तब से कई बार कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया, कई बार मुझे प्रताड़ित किया, और मैंने बार बार एक ही बात दोहराई। 14 में कहा था कि जितना प्रताड़ित करोगे उतने ही जोर के साथ अमेठी की सांसद बनकर आऊंगी। 19 में जनता के आशीर्वाद से मेरे मुख से निकला वो वचन पूर्ण हुआ, और आज क्योंकि अभी भी उनकी प्रताड़ना जारी है, मैंने कहा कि इतना मत सताओ कि ऐसा ना हो कि 24 में रायबरेली भी हम खाली करा दें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारत समाचार से खास बातचीत में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि 20 से 24 की निगाह पर अब रायबरेली होगी। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, गौरीगंज, अमेठी।